नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। खबरों के माने तो चीन युद्ध के लिए आमादा, तभी तो चीन की सेना एक बार फिर ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटी हुई। ताइवान से लगती सीमा पर चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। चीन ने इस इलाके में तेजी से अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई। कई रक्षा मामलों के जानकारों ने चिंता जताई है कि इस क्षेत्र में अपने ताकतवर हथियारों की तैनाती कर चीन सीधे तौर पर ताइवान को धमकी दे रहा है, और अगर कहीं गलती से भी युद्ध हुआ तो अमेरिका चीन को सबक सिखाने जरूर उतरेगा। यहां पर एक और जानकारी देते चलें कि चीन ने पहले से ही इस क्षेत्र में DF-11 और DF-15 मिसाइलों को तैनात किया हुआ है। माना जा रहा है कि अब इन पुरानी पड़ चुकी मिसाइलों की जगह अपने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को वो तैनात करेगा। ये मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में माहिर है। ऐसे में अगर चीन हमला करता है तो ताइवान को अपनी सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेज सकती। इस मिसाइल को पहली बार पिछले साल चीन की स्थापना के 70वें वर्षगांठ के अवसर पर दुनिया के सामने लाया गया था। ये मिसाइल 15,000 किलोग्राम वजनी और 11 मीटर लंबी, जो पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सकती। अगर आसान भाषा में कहें तो ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम। कावर डिफेंस रिव्यू के एडिटर इन चीफ की माने तो सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि हाल के सालों में फुजियान और गुआंगडोंग प्रांतों में चीन ने मरीन कॉर्प्स और रॉकेट फोर्स के कई नए ठिकाने बनाए। ये दोनों राज्य ताइवान के नजदीक स्थित हैं। पूर्वी और दक्षिणी थिएटर कमांड में कुछ मिसाइल अड्डों का आकार भी हाल के सालों में दुगना हो गया। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी भी पल चीन ताइवान पर हमला कर सकता। इसके साथ ही साथ ताइवान के नजदीक चीन ने दुनिया की खतरनाक मिसाइल सिस्टम S-400 को भी तैनात कर दिया। S-400 का शक्तिशाली रडार 600 किलोमीटर दूर से ही ताइवानी सेना के मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का पता लगा सकता है। S-400 का रडार सिस्टम बहुत ही आधुनिक है और पूरे ताइवान को कवर करने में सक्षम। इसमें लगी मिसाइलें ताइवान के किसी भी लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम। तो आप समझ सकते हैं कि चीन ताइवान को सबक सिखाने के लिए युद्ध पर आमादा है। लेकिन चीन ये भूल कर रहा, क्योंकि अगर चीन ने कोई भी हरकत की तो अमेरिका समेत मित्र राष्ट्र इस युद्ध में कूद पड़ेंगे, जिसका नतीजा बहुत भयावह होगा। अब देखना होगा कि चीन करता क्या है, हमला करता है या शांत रहता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।